हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो होने वाली है हमारे व्यूवर्स के डिमांड पर एक और कंपैरिजन वीडियो होंडा CB125R और यामाहा MT125 के बीच। होंडा वर्सेस यामाहा दोनों ही बाइकें 2021 की अपकमिंग बाइक है, मतलब अभी तक ये इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। कौन सी नेकेड स्पोर्ट ज़्यादा बेटर है और कौन सी बाइक आगे निकलती है परफॉर्मेंस के मामले में, देखेंगे इस वीडियो में। और मैं दोनों ही बाइकों के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल के एस एन टॉक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दे, आगे भी ऐसी ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होंडा CB125R से। दोस्तों, ये होंडा की तरफ से पहली प्रीमियम कैटेगरी की 125cc सेगमेंट में आने वाली बाइक होने वाली है, जो एक अग्रेसिव विंटेज लुक के साथ आपको इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलेगी। और यामाहा MT125, दोस्तों यामाहा की MT सीरीज में से काफ़ी नेकेड स्पोर्ट्स बाइकें इंडियन मार्केट में आने वाली 2021 में, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही आप सबके लिए बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यामाहा MT125 की, जो सेम MT15 के लुक्स और फीचर्स के साथ आपको इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलेगी। तो बात करें परफॉर्मेंस की, तो होंडा 125cc सिंगल सिलेंडर SOXC इंजन के साथ देखने को मिलती है, जो 14.7 HP की पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 RPM पर और 11.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8,000 RPM पर। और यहीं आपको यामाहा MT125 का 124.7cc सिंगल सिलेंडर SOXC इंजन 15 HP की पावर प्रोड्यूस करता है 9,000 RPM पर और 11.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8,000 RPM पर, जो स्लाइटली बेटर है होंडा CB125R से। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही बाइकें लगभग बराबर ही है। और अगर फीचर्स की बात करें तो आपको होंडा में 6-speed गेयरबॉक्स, सिंगल चैनल ABS, स्प्लिट सीट एंड फुल LED हेडलैम्प, टेललाइट और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और यामाहा MT125 में आपको 6-speed गेयरबॉक्स, यामाहा असिस्ट स्लीपर क्लच के साथ देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS, सिंगल सीट और LED हेडलाइट, टेल लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही बाइकों में आपको USD फोक्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल वेरिएंट पे। लेकिन पूरे पूरे चांसेस है कि ये कंपनी इन बाइकों को टेलीस्कोपिक फोक के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी अपनी बाइकों को बजट फ्रेंडली रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको MT125 में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये बाइक बेटर ही रहने वाली है होंडा CB125R से। यामाहा MT125 की सीट हाइट 810 mm और CB125R की सीट हाइट 816 mm होने वाली है। दोनों ही बाइकों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लो राइडर्स को, बाकी आपको दोनों ही बाइकों में सीट हाइट कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर इन दोनों ही बाइकों के लॉन्च डेट की बात करें तो आपको होंडा CB125R 2021 के मिड तक और यामाहा MT125 अगस्त मंथ में इंडियन मार्केट में सेम 1.20 lakh एक्शन प्राइस पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल बात करें सभी फीचर्स को देखते हुए, तो यामाहा MT125 ही बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें स्लीपर क्लच और डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। और ये पहली बाइक होगी इंडियन मार्केट में जो 125cc कैटेगरी में डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। बाकी आप एक अग्रेसिव विंटेज यूनिक लुक को देखते हुए होंडा CB125R के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी पसंद और इस वीडियो के बारे में।